जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो गई। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी, और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ भाइयों 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही नहीं वो साइकिल आगे कैसे बढ़ी। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी राजनीतिक पार्टियां अगले चरण में होने वाले मतदान में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस वाले हम पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब ये खुद समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि लोग आज सपा समाप्त वादी पार्टी बता रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि साइकिल की चेन गायब हो गई है और अब चाह के भी साइकिल चल नहीं पाएगी। रक्षा मंत्री ने आगे क्या कहा सुनिए। आज इनकी हालत ये हो गई है कि सपा को लोग कहने लगे हैं समाप्त पार्टी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी, और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं। 2022 का चुनाव हुआ उसमें भी, 2019 का चुनाव हुआ फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आपने नहीं चढ़ने दिया। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही नहीं वो साइकिल आगे कैसे बढ़ी। वहीं आगे रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत तो सपा से खराब है। 10 साल बाद अगर कोई देश के युवाओं से पूछेगा कि कांग्रेस कौन है तो वो कहेंगे कौन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त तो हो जाएगी। आगे राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो अब पूछेगी कौन कांग्रेस। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। बहन भाइयों, हम देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसके साथ आपको बताते चले कि बलिया और सलेमपुर में सबसे आखिरी चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर किसके दावे कितने सच होते हैं और कौन इन सीटों पर बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।